रोविंग कैमरा ऋतिक से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, कैमरे में कैद हुए सितारे, दिखा ऐसा अंदाज। सुपर 30 के सुपरस्टार ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30 की घोषणा के बाद से ही चर्चा में बने रहे हैं। हाल ही में ऋतिक रोशन ने अपनी अगली फिल्म का चयन भी कर लिया है। इनकी अगली फिल्म अब अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म सत्य पे सत्ता है। इस फिल्म में ऋतिक पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ काम कर सकते हैं। क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह चुके जाने माने प्लेयर युवराज सिंह भी इन दिनों अपनी एक्टिंग स्किल्स निखार रहे हैं। हाल ही में युवराज हॉटस्टार की द ऑफिस सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। इसी कारण युवराज इन दिनों मायानगरी में ही है। इसी के चलते इनको अपनी पत्नी हेजल कीच के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया है। फिल्म पीएम मोदी के बाद कुछ दिन पहले ही चर्चा में आए विवेक ओबेरॉय को भी मायानगरी में बाहर स्पॉट किया गया है। कैमरा देख विवेक बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही हंसते हुए हाथ हिलाने लगे। इस फिल्म के अलावा विवेक हाल ही में आई एक कन्नड़ फिल्म में भी मुख्य किरदार निभाते नजर आए थे। कई फिल्मों को अपने बस्ते में लिए हुए परिणीति चोपड़ा इस वक्त खूब मेहनत कर रही हैं। वैसे तो इनके पास अभी कई फिल्में लाइन में हैं, लेकिन इन दिनों परिणीति फिल्म साइना, जो कि साइना नेहवाल की बायोपिक है, उसके लिए तैयारियां कर रही है। इसी के बाद परिणीति जल्द ही अमेरिकी फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन के हिंदी रीमेक की तैयारियां शुरू करेंगी। इन जाने माने कलाकारों के अलावा नई नई स्टार बनी अनन्या पांडे भी मायानगरी में बाहर नजर आईं। इस तस्वीर में अनन्या बेहद ही प्यारी लग रही हैं। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद अनन्या अब पति पत्नी और वो पर काम कर रही हैं। अनन्या के साथ इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। इन सभी के अलावा मायानगरी में काफी समय के बाद सभी को खामोश करने का जज्बा आज भी बरकरार रखे हुए शत्रुघ्न सिन्हा भी नजर आए। आज भी इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा की एक झलक पाते ही लोग पागल हो जाते हैं। इस बात का प्रमाण इनका ये फैन है, जो बिना कुछ सोचे समझे अपने स्टार से साथ फोटो खिंचवाने में मस्त है।